सर कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड इस वाली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मेरे पास आईफोन है एंड वो मैंने खुद से लिया है। मैंने अपने पेरेंट्स से एक रुपया भी नहीं लिया भाई आईफोन लेने के लिए। तो ये मैंने खुद से लिया कैसे, क्योंकि भाई देखो अभी मेरा जो चैनल है वो भी न्यू है एंड अगर आप न्यू व्यूअर हो तो यार आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि मेरे पास आईफोन है कैसे एंड मैंने कैसे परचेस किया, क्योंकि जो ओल्ड सब्सक्राइबर है भाई उन सबको पता होगा। अब ये ओल्ड कैसे है वो भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो बस अगर चैनल पे न्यू हो तो भाई वीडियो को एंड तक देखना एंड बस एंड तक ही देख लेना, चलो सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्जी है। तो यार मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ये आपको कहाँ से मिली है, ब्राउज फीचर या फिर कुछ भी, मतलब कि ऐसा समझ लो अगर आप बिल्कुल ही न्यू व्यूअर हो तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैंने एक फुल वीडियो बना के रख रखी है अपने ओल्ड चैनल के बारे में, जिसमें मैंने आपको पूरा बता दिया है कि मेरा एक और चैनल था एंड उस पर भाई 33K सब्सक्राइबर्स थे एंड उस वीडियो का भी लिंक आपको अभी कार्ड में मिल जाएगा एंड साथ में डिस्क्रिप्शन में। ओके सो वो वीडियो में मैंने आपको फुल अपना चैनल दिखा रखा है, उसमें आपको मैंने टोटल व्यूज़ एंड हर एक वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रखी है एंड भाई उसमें प्रूफ होता है एंड साथ में उस पर अर्निंग भी दिखा रखी है मैंने आपको फुल, भाई बिल्कुल ब्लर नहीं, मतलब जो रियल अर्निंग है वो मैंने आपको दिखा दी है। सो आप वो जाके वीडियो देख सकते हो। सो अब देखो यार उस चैनल से मैंने जो है लगभग $600 या फिर $700 कुछ ऐसे ही अर्न किए। ओके तो टोटल जो है $672 थे एंड इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 49,923 होते हैं। तो अब ये बहुत कम है एक आईफोन के लिए, लेकिन अभी ये जो अर्निंग मैंने बोला ना आपको ये लाइफ टाइम थी मेरी। ओके सो ये लाइफ टाइम थी, तो मतलब जब मैंने आईफोन लिया होगा तब तो ये भाई बहुत ही कम होगी, क्योंकि चैनल जब टर्मिनेट हुआ मैंने आईफोन लिए हुए मेरे को 4 या 5 मंथ्स हो चुके थे। तो आप सोच सकते हो बहुत कम अर्निंग हुई थी। तो मैं आपको बताता हूँ उस समय मेरी अर्निंग हुई थी 30,000 एडसेंस के थ्रू एंड एडसेंस के बाद और भी बहुत सारे जो यहाँ पे होते हैं अर्निंग के सोर्सेज, जैसे कि स्पॉन्सरशिप्स एंड स्पॉन्सरशिप ज़्यादा मैं लेता नहीं था एंड साथ में जो URL शॉर्टनर्स वगैरह है, क्योंकि देखो हमारा जो चैनल था ना इससे पहले उस पर सब लिंक्स वगैरह का काम होता था, तो मैं वहाँ से थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेता था एंड मतलब उससे मैंने मिला के एक आईफोन जो है परचेस किया था। अब देखो यार अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने URL शॉर्टनर से कितनी अर्निंग कर रही थी, तो आप भाई इस वीडियो में अगर 500 लाइक्स अगर आप करवा देते हो तो मैं आपको मतलब पूरा स्क्रीनशॉट के साथ रिकॉर्डिंग के साथ आपको अपनी जो है URL शॉर्टनर की अर्निंग बताऊंगा। और भाई सच बता रहा हूँ जितनी अभी मैंने आपको अर्निंग बताई है ना YT से, भाई उससे तो ज़्यादा ही थी URL शॉर्टनर में। तो मैं आपको वो अर्निंग दिखा दूंगा अगर आप इस वीडियो के अंदर 500 लाइक्स करवा देते हो। और मैं आपको और भी बातें बताता हूँ कि आईफोन मैंने मतलब लगभग मेरा एक्सपीरियंस क्या था, भाई एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लोग जो है जानना चाहते हैं जब मैं आईफोन लेने गया। अब देखो बात कुछ ऐसी थी कि जो मेरी पेमेंट थी वो एडसेंस में, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, 21 डेज डेट को जो है रिलीज़ होती है। ओके मतलब आपकी जो भी अर्निंग है वो 21 डेट को जो है रिलीज़ होगी एंड उसको आने में लगभग 3 या 4 दिन लग जाते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ, मैं मेरे यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे जो आई स्टोर नहीं है, मतलब कि जो एप्पल का स्टोर होता है वो नहीं है, तो अब मेरे को बाहर जाना था एंड मतलब कुछ और काम से बाहर जाना था। तो अब भाई मेरा प्लान था कि मेरे को आईफोन लेना है इसी टाइम लेना है, क्योंकि भाई देखो जो मेरे पे डिवाइस था ना रेडमी नोट 7, भाई उस पर नहीं खेला जाता था, तो यार उस पर मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा ही लैग होता था, तो मैं भाई मोंटाजेस भी डालता था तो बहुत कम डाल पाता था। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद देखो मैं जाने वाला था जहाँ पे तो मैं गया। ओके सो उसके बाद भाई मैंने पापा मम्मी को पहले ही बोल दिया था कि मेरे को आईफोन लेना है, तो भाई यहाँ से तो मना ही कर रहे थे घर से, क्योंकि मेरे पास उस समय मनी नहीं थी एंड वो उसको आने में 4-5 दिन लगने वाले थे। अब मैंने बोल दिया भाई जब मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तो मतलब मम्मी के अकाउंट में आने वाले थे वो, तो जब वो आ जाएंगे तो आप ले लेना उसमें से। तो देखो यहाँ से तो मना किया एंड वहाँ जब गए तो वहाँ पर जाके भाई स्टोर पे गए हम एंड आईफोन वगैरह देखा एंड वहीं से भाई ले भी लिया आईफोन एंड भाई वहीं पे मेरा ड्रीम कंप्लीट पूरा हो गया। एंड उसकी जो स्टोरी है, मतलब कि मैंने जहाँ पे स्टोर पे वो उसको अनबॉक्स किया फर्स्ट टाइम, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स में मिल जाएगी। सो इंस्टाग्राम का लिंक आपको भाई प्रमोशन नहीं कर रहा, आपको देखनी है तो देखो ना भाई, तो उसके हाईलाइट्स में आपको वो मिल जाएगी। ओके सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मतलब वीडियो के लिए सजेशन दे सकते हो या फिर टॉपिक बता सकते हो DM करके एंड बहुत सारी चीज़ें भाई मैं स्टोरीज वगैरह लगाता रहता हूँ एंड जो भी क्वेश्चन पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो। सो बस इस वीडियो पे इतना ही था और भाई 500 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, मैं आपको अपनी URL शॉर्टनर की अर्निंग बताऊँगा जो कि मैंने आपको मेन चैनल पर भी नहीं बताई थी।
जो अपना 33 का सब्सक्राइबर वाला था, बहुत लोग भाई बहुत सारे लोग पूछते थे कौन सा वायरल शॉर्टनर है एंड कितनी अर्निंग हो गई, तो मैंने उसमें भी नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको बता दूंगा बस भाई, बस 500 लाइक्स आप कर सकते हो भाई, कर सकते हो, ट्राई करो। तो चलो यार मिलता हूँ, बाय।